आज मैं लाया हूँ पांच ऐसा फ्रेज वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही होगा क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रन से रिलेटेड पांच फ्रेज वर्ड्स देखेंगे और सीखेंगे कि किस कंडीशन में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। रन डाउन का मतलब होता है कमजोर हो जाना या शिकायत करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरी मोबाइल की बैटरी कमजोर हो गई है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बैटरी ऑफ माय मोबाइल हैज रन डाउन, यानी मेरी मोबाइल की बैटरी कमजोर हो गई है। आप हमेशा अपने पड़ोसियों की शिकायत करते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू ऑलवेज रन डाउन योर नेबर्स। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि रन डाउन का मतलब कम हो जाना या शिकायत करना होता है। रन आफ्टर यानी पीछे पड़ जाना या पीछा करना। जैसे अगर आपको कहना हो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है या पीछे पड़ गया है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। अगर आपको कहना कि वह हमेशा दौलत के पीछे भागता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ऑलवेज रन्स आफ्टर वेल्थ, यानी वो हमेशा दौलत के पीछे भागता है। रन अवे का मतलब होता है फरार हो जाना या कहीं से भाग जाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि चोर पैसा लेकर भाग गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द थीफ रैन अवे विद मनी, यानी चोर पैसा लेकर भाग गया। शेर को देखते ही मैं भाग गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सीइंग अ लायन आई रैन अवे, यानी शेर को देखते ही मैं भाग गया। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना या क्रिकेट में रन आउट हो जाना। जैसे मेरा पैसा खत्म हो गया है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव रन आउट ऑफ मनी, यानी मेरा पैसा खत्म हो गया है। मेरा पासपोर्ट खत्म हो गया है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माय पासपोर्ट हैज रन आउट। मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है माय पेट्रोल इज रनिंग आउट। अगर आपको कहना हो कि वह रन आउट हुआ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वाज रन आउट। रन ओवर का मतलब होता है ऊपर से बहना या कुचल देना। जैसे बिल्ली एक कार से कुचल दी गई तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द कैट वाज रन ओवर बाय अ कार, यानी एक कार से बिल्ली को कुचल दिया गया। उसे एक ट्रक से कुचल दिया गया ही वाज रन ओवर बाय अ ट्रक। अगर आपको कहना हो कि नदी ऊपर से बह रही है यानी लेवल के ऊपर से बह रही है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द रिवर इज रनिंग ओवर, यानी नदी ऊपर से बह रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि पांचों फ्रेज वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं कि आप प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।